नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज एक गुड न्यूज आई है, देश में 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और बहुत बड़ी बात भी, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देशों की पूरी जनसंख्या को 150 करोड़ वैक्सीन डोज में कई बार टीके लग सकते हैं। आप समझ गए, बड़ी जनसंख्या की वजह से भारत में अभी तक सभी लोगों को डबल डोज लगा भी नहीं है, और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि कोरोना की नई लहर का मुकाबला करना है तो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन पूरा करवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ साथ दूसरे रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। कौन सा? 7 महीने के बाद देश में कोरोना के डेली केसेस 1 लाख के पार पहुंच गए हैं और आने वाले दिनों में 8 लाख तक जा सकते हैं, और इसीलिए संभल कर रहना है। सबसे पहले कुछ अपडेट्स आपके लिए लेकर आई हूं, नोट कर लीजिए। मुंबई में आज कोरोना के 20,971 नए केसेस आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,335 नए कोरोना के मामले आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 18,213 केसेस दर्ज किए गए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 8,449 केसेस आए हैं। केरल में 5,296 नए केसेस दर्ज हुए हैं। चुनावी राज्य यूपी में एक दिन में 4,228 केसेस आए हैं। पंजाब में भी 2,901 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर तीसरी लहर पूरी रफ्तार से आ चुकी है, और अब भी अगर आप खतरे की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ध्यान से मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आपको देखनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में 214 दिन का रिकॉर्ड टूट गया है। 214 दिन के बाद एक दिन में कोविड के 1 लाख से ज्यादा केस आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर इतनी तेज है कि पॉजिटिविटी रेट 7.74% हो गई है। 1 जनवरी को 1,22,801 एक्टिव केस थे, अब बढ़कर ये 3,71,363 हो गए हैं। यानी सिर्फ 7 दिनों में 2,48,562 एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं सुधर रहे। ये पश्चिम बंगाल के दो शहर है, सिलीगुड़ी और कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं। सिलीगुड़ी के विधान बाजार में लोग शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। इसी तरह कोलकाता के इसी बाजार में आप खासी भीड़ को देखिए। लोग मास्क में दिख तो रहे हैं, लेकिन ठीक से मास्क लगाया कहाँ है। कोरोना से दिल्ली में भी बुरा हाल है। कल ही 15,000 से ज्यादा केस आए और इन बढ़े हुए मामलों का असर अब अस्पतालों में दिख रहा है। ये दिल्ली का जीबी पंत अस्पताल है, जहां मरीजों की बहुत ज्यादा भीड़ है। मरीजों की ये लाइन 500 मीटर से ज्यादा लंबी है और कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं दिख रहा। 2-2.5 घंटे के इंतजार के बाद लोगों का नंबर आ रहा है, और इसकी वजह है अस्पताल में एंट्री के लिए कोविड टेस्ट की अनिवार्यता। ऐसे में सरकार लगातार जो बोलती आ रही है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, वो यहाँ पर कितना असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि 2 गज की दूरी यहाँ पर बनाना संभव नहीं नजर आ रहा है। इतने सारे लोग हमें कतार में नजर आ रहे हैं। ये जो लाइन है, ये लंबी लाइन वहां तक जा रही है जहां तक कैमरे की नजर जा रही है। ये खत्म ना होने वाली लाइन, ये कतार आपको तस्वीरों में नजर आएगी। लोग जगह जगह इकट्ठे हैं, लोग जगह जगह ग्रुप्स बनाकर बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में अस्पताल के बाहर ही हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कब से खड़ी है उमा? 2 घंटे हो गए। आपके पास पर्चा है या फिर पर्चा लेने आए? पर्चा है मेरे पास। पर्चा होने के बावजूद भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। टेस्ट हो रहा है क्या? कोरोना टेस्ट हो रहा है। 2 घंटे लग जाएंगे। तो आप 4 घंटे तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? हाँ जी, खड़े रहेंगे, मेरी मजबूरी है भाई, दवाई लेनी है। तो दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि अस्पताल में हालात अभी नियंत्रण में है। दावा है कि पिछले साल के मुकाबले 6 गुना मरीज कम है। पहले के मुकाबले में 6 गुना या 7 गुना पेशेंट कम है हॉस्पिटल के अंदर। अब उसको आप माइल्ड कहिए या नहीं कहिए, पर हॉस्पिटल में बहुत कम लोग आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज। आज कल के उसके डाटा के अंदर मैं बताता हूँ,
30,000 से ज्यादा एक्टिव पेशेंट हैं और वेंटिलेटर के ऊपर सिर्फ 24। पिछली बारी का जो डाटा 30,000 था तब उस टाइम पर वेंटिलेटर पे कम से कम 1,000 पेशेंट थे, कहां पर 1,000 पेशेंट, कहां पे 24 पेशेंट। तो इसकी सीवियरिटी तो डाटा अपने बता रहे हैं, सीवियरिटी इज लेस। सरकार भले ही हालात ठीक होने का दावा कर रही हो लेकिन हर स्थिति से निपटने के लिए भी तैयारियां हो रही है। दिल्ली में कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि हल्के लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखा जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं एक बैंकेट हॉल में। ये बैंकेट हॉल है दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के ठीक सामने। तस्वीरें इसकी अब दिखाते हैं आपको। ये बैंकेट हॉल कोरोना की सेकेंड वेव में भी इसी तरह से तैयार किया गया था। हर बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो रखे गए हैं। यहाँ पर जो भी फैसिलिटी दी गई है वो उन्हीं लोगों के लिए दी गई है। जो लोग कोरोना से संक्रमित होंगे उनको यहाँ रखा जाएगा, आइसोलेशन में वो यहाँ पर रह सकते हैं, उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा बेड्स हैं जो कि लगाए गए हैं मरीजों के लिए। दिल्ली के अलावा मुंबई भी बहुत ज्यादा प्रभावित है, जहां कल 20,000 केस एक दिन में आए हैं। इसीलिए अब लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। मुंबई की मेयर का कहना है कि लॉकडाउन का आखिरी फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे। 17,000 के ऊपर अति सौम्य लक्षण के रुग्ण है। आज भी चिंता की बात, घबराने की बात नहीं है, लेकिन चिंता जताने की बात है। जो SOP आपको दी गई है ओ SOP का पूरी तरह आप फॉलो करो। अभी तो पूरा लॉकडाउन का मुंबई में आज तो नहीं है, लेकिन मिनी लॉकडाउन या कड़क निर्बंध हो सकते। यानी मुंबई में पूर्ण नहीं तो मिनी लॉकडाउन होने के पूरे आसार हैं। जो लोग हैं सब्जी वाले या दुकान वाले, उनकी क्या स्थिति है, वो क्या मानते हैं इस लॉकडाउन के बारे में, ये जानने के लिए मेरे साथ कुछ सब्जी बेचने वाली यहाँ पे आंटी जी हैं। लॉकडाउन होता है फिर से तो क्या दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपको? प्रॉब्लम तो यही होगी ना कि मेरे ऊपर जो घर चलता है ना, वो तो घर चलने का बंद होगा। हम लोग गरीब आदमी है, ये भाजीपाला बेच के हम लोग चाय पानी में अपना खाना पीना पकाते हैं, अपने बाल बच्चे को पोसते हैं। अभी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट तो है नहीं, हम लोग तो हम लोग का पेट पानी का क्या होगा। हम लोग भाड़े पे रहते हैं, भाड़ा कहाँ से जाएगा, पानी कौन देगा, हम लोग को लाइट कौन देगा, परिवार का हमारा क्या होगा। जाहिर तौर पर लॉकडाउन का असर उन लोगों पर भी होगा जिन्हें रोज कमाना है और फिर खाना है। कोरोना का विस्फोट बढ़ने के साथ ही जनता पर पाबंदियां जो है वो बढ़ गई है, वो बेड़ियां कस रही है, लेकिन सियासत आजाद है एकदम। रैलियों पर रोक लगने का नाम नहीं है। ABP न्यूज लगातार रैलियों के खतरे से देश को आगाह कर रहा है। अब चुनाव आयोग इस मंथन में जुटा है कि कोरोना काल में चुनाव करवाए कैसे जाए। हमें सोर्स ये बता रहे हैं कि आयोग जो है वो तारीखों के ऐलान के साथ ही कई ऐसे दिशा निर्देश जारी करने वाला है जिसके चलते या जिसके मुताबिक सिर्फ छोटी रैलियों की इजाजत दी जाएगी। 10,000 की क्षमता वाले मैदान की रैली में सिर्फ 2,000 लोग ही शामिल हो पाएंगे। रैली में शामिल होने की इजाजत उन्हें ही दी जाएगी या मिलेगी जो दोनों डोजेज ले चुके हैं। रैली करने वाली पार्टी को लगातार लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील करते रहनी होगी। इसके अलावा आयोग डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। ये मंथन इस वक्त चल रहा है। आयोग इस मशक्कत में जुटा है कि चुनाव जैसी जरूरी प्रक्रिया से कोरोना विस्फोट ना हो जाए, लेकिन वोट के अंक गणित की अगर बात करें तो वो कुछ और ही तरफ इशारा कर रहा है। दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा, खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। एक ओर भीड़ से दूर रहने का प्रचार और दूसरी ओर करोड़ों की भीड़ जमा करने का प्रयास। ये 3 तस्वीरें सरकारों के दोहरे मापदंड की गवाही दे रही है। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी की है, दूसरी पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले की तैयारी की, और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही बरेली में हुई धर्म संसद की है। यह हाल तब है जब रोज मरीजों की संख्या 1,17,000 पार कर चुकी है। ओमिक्रोन के 3,007 मामले आ चुके हैं और पॉजिटिविटी रेट 7.74 पहुंच चुकी है।
कोरोना के इसी डरावने ग्राफ को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में गंगा सागर मेले पर रोक लगाने की याचिका दी गई, लेकिन ममता सरकार ने हलफनामा देकर मेले पर पाबंदी नहीं लगने दी। अब कोर्ट ने शर्तों के साथ मेले की इजाजत दे दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष, बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव शामिल होंगे। ये कमेटी इस बात पर नजर रखेगी कि मेले में कोरोना नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। साथ में अदालत ने राज्य के गृह सचिव को ये जिम्मेदारी दी है कि वो मेले में कोरोना नियमों का पालन होना सुनिश्चित कराए। ममता बनर्जी की सरकार ने कहा था कि मेला का आयोजन किया जाए और राज्य सरकार जो है तमाम इंतजाम करेगी, और राज्य सरकार की बात को मानते हुए ही आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मेला की अनुमति दे दी है। ममता सरकार एक तरफ अदालत में हलफनामा देकर मेले की इजाजत ले रही है, दूसरी ओर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में कोरोना से मुकाबले के लिए संसाधनों की कमी का रोना रो रही है। डॉक्टर्स को स्कार्सिटी होता है, कोटा बढ़ाना चाहिए मेडिकल में, कि अभी पॉपुलेशन है कोविड जैसे आ रहा है, अगर एक हॉस्पिटल को 75 डॉक्टर्स को कोविड हो गया तो हम क्या करें, कैसे ट्रीटमेंट करें। लेकिन हमको डोज चाहिए आउट, हमारा 40% अभी भी सेकेंड डोज नहीं मिला है। ममता को राज्य की हालत पता है, इसके बावजूद उन्होंने अदालत से मेले की इजाजत ये कहते हुए ली कि कोरोना नियमों का पालन होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई है। इस वक्त मैं कोलकाता के आउटरम घाट में हूँ। जो लोग यहाँ बैठे हैं ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर सवाल तो उठता ही है कि लाखों लोग जब एक जगह मेला परिसर में जुटेंगे तो कैसे नियमों का पालन होगा। कोरोना के खतरे पर आस्था की पट्टी बांधने वालों में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं है, उत्तर प्रदेश भी। यहाँ ऐसी ही तैयारी चल रही है। प्रयागराज में संगम तट पर इन दिनों माघ मेले की भीड़ शुरू हो चुकी है। यहाँ भी सरकार ने नियमों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी करके भीड़ को हरी झंडी दे दी है। नियम के मुताबिक माघ मेले में एंट्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा 72 घंटे के अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य है। अनिवार्य कर दिया गया है कि अपनी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे 72 घंटे पहले की। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि अपना जो दोनों डबल डोज का वैक्सीनेशन जो उन्होंने कराया है उसकी भी सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे। साहब, शासन से आए नियमों को जोर शोर से सुना जरूर रहे हैं, लेकिन इसका पालन कितना होगा ये आप इन तस्वीरों से देख लीजिए। पहली तस्वीर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाती रैलियों की तस्वीर है, जो कुछ घंटे के लिए आयोजित होती है। इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन कतई नहीं होता। अब जरा सोचिए कि कुंभ में जहाँ करोड़ों लोग आते हैं वहाँ कैसे नियमों का पालन होगा। और ये सच्चाई मेले से जुड़े कुछ अफसर भी मान रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाएं और 72 घंटे पूर्व अपना आरटीपीसीआर जांच लेके आएं। लेकिन जो 2 घंटे के लिए आया, गंगा जी में डुबकी लगाया, स्नान किया और चला गया, उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको हम लोग कर पाना मुश्किल रहेगा। आस्था के नाम पर कोरोना के खतरे की अनदेखी सिर्फ प्रयागराज या पश्चिम बंगाल में हो तो समझ में आए। यूपी के ही बरेली से आई एक धर्म संसद की तस्वीर भी कोरोना के लिए किसी शक्तिवर्धक कैप्सूल की तरह है। ये उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा की धर्म संसद है, और ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोरोना के नियमों की धज्जियां यहां कैसे उड़ रही है, कोरोना के खतरे पर कैसे आस्था की पट्टी पड़ी हुई है, ये भी सुन लीजिए। कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जान ले सकता है, लेकिन नबी की अजमत पर उठाई जाने वाली उंगलियां हमारा ईमान ले सकती हैं, और हमारा ईमान हमारी जान से ज़्यादा कीमती है। हम जान को खतरे में डाल के ईमान की हिफाजत करना जानते हैं। कोरोना को श्रद्धा का पावर कैप्सूल क्यों? उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यही कारण है कि सरकार जनता की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, और इसी के चलते कोरोना के बढ़ते आंकड़े, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन कोरोना के वायरस को आस्था का पावर डोज देश के लिए खतरनाक हो सकता है। बेशक
ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, संख्या हर रोज बढ़ रही है, हमारे अस्पतालों पर भी बोझ पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह ओमिक्रॉन है और इसीलिए अब ये भी सवाल उठ रहा है कि इस तीसरी लहर का पीक कब आएगा। विशेषज्ञ फरवरी तक पीक आने की संभावना जता रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन क्या तब तक देश का स्वास्थ्य सिस्टम इन बढ़े हुए केसेस को झेल लेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में रोजाना आने वाले केसेस का जो आंकड़ा है वो 8 लाख तक भी जा सकता है। कितने तैयार हैं हम? देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। जितने केस पिछले 7 दिनों में आए हैं उतने केस आने में 43 दिन लग गए थे। 1 से 7 जनवरी तक देश में 3,87,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि इतने ही यानी 3,83,000 केस 19 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच आए थे। सिर्फ 3 दिनों में 201% की दर से केस बढ़े हैं। 5 जनवरी को देश में 58,097 केसेस थे, जो 6 जनवरी को बढ़कर 90,928 हुए और आज यानी 7 जनवरी को पिछले 24 घंटे में 1,17,000 से ज्यादा केसेस हैं। अब सवाल उठ रहा है कि भारत में कोरोना का पीक कब आएगा। पहली लहर के दौरान 17 सितंबर 2020 को एक दिन में 97,894 मामले सामने आए थे, जबकि दूसरी लहर के दौरान 7 मई को 4,14,188 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। अब इंतजार है तीसरी लहर का पीक कब आएगा। जानकारों का मानना है कि अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो फरवरी में कोरोना केसेस का पीक आ सकता है। जो अभी तक का एविडेंस है कि सबसे बढ़िया इम्यूनिटी दे रहा है जो इन्फेक्शन हो चुका था। दिल्ली में देखा जाए तो इन्फेक्शन रेट ज्यादा था, काफी ज्यादा था, मुंबई में था, तो यहाँ पे पीक जल्दी आना चाहिए और वह जो है इस महीने के अंत तक प्लस माइनस 10 डेज 15 डेज हो सकता है या मिड फरवरी तक आ जाना चाहिए कम्प्लीटली। मेजर सिटीज में रूरल एरिया में थोड़ा सा इन्फेक्शन स्लो प्रोग्रेस होता है, तो उसको देखते हुए लगता है इसकी संभावना सबसे ज्यादा की जा सकती है कि वह फरवरी मिड से लेके फरवरी लास्ट तक वहां भी पीक आ जाना चाहिए। बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा। हिंदुस्तान का पीक जो है वो फरवरी के आसपास आना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ही संक्रमण बढ़ रहा है। IIT के सूत्र मॉडल के मुताबिक भारत में 70 से 100% लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में केसेस का पीक आ सकता है। पीक के वक्त 4 से 8 लाख केसेस रोजाना आ सकते हैं, जिनमें से 3.5% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। यानी पीक के वक्त 1,50,000 हॉस्पिटल बेड की जरूरत होगी। इसी स्टडी में दिल्ली के बारे में कहा गया है कि यहाँ 15 से 20 जनवरी तक पीक आएगा और तब तक एक दिन में 35 से 70 हजार केसेस हो सकते हैं। 12,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है, जबकि मुंबई में भी 15 से 20 जनवरी तक पीक आ सकता है। मुंबई में भी रोजाना 30 से 60 हजार तक केसेस आ सकते हैं और यहाँ भी 10,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों में अगले 1 से 2 हफ्ते में पीक आ जाएगा, क्योंकि उन देशों में ओमिक्रॉन के केसेस पहले से आ रहे हैं। आप साउथ अफ्रीका को देखें, ऑलमोस्ट जो है 100% के आसपास जो है पहुंच चुका है ये न्यू वेरिएंट। UK का देख लीजिए, 1 से 2 लाख के बीच में रोज ही केसेस हो रहे हैं और वह जो है कल देखें तो 95% के आसपास जो है 96% जो है ओमिक्रॉन के थे। तो UK में भी जो है 1 to 2 week और पीक आने में लगना चाहिए। वैसे ही जो है US में तो जिस तरीके से न्यूयॉर्क में केसेज आ रहे हैं लग रहा है कि जल्दी ही जो है वहां भी पीक आएगा, बट 1 or 2 week लगना चाहिए। लेकिन इन कंट्रीज के बारे में प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी को मैसेंजर RNA वैक्सीन लगी है, क्योंकि वहां मिक्स टाइप की इम्यूनिटी है और नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ही कम था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक कोरोना का ये नया वेरियंट तेजी से संक्रमित करता है, लेकिन उतना घातक नहीं है जितना की डेल्टा वेरियंट था। इसमें संक्रमण ज्यादातर माइल्ड है और अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं है।
इसीलिए जल्द ही पीक आने की संभावना भी है। और इसीलिए बार बार हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए। मान लीजिए माइल्ड भी सिम्टम्स हैं तो आप उन लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं जो मॉर्बिड हैं, जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर बीजेपी और कांग्रेस में जो जुबानी जंग चल रही है, आज वो सुप्रीम कोर्ट तक चली आई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद पंजाब सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो अलग अलग जांच शुरू की गई थी उसे रोक दिया गया है। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद पीएम की सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है, इसका पता नहीं चल पाया है। बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि पीएम की हत्या की साजिश रची गई थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सब ड्रामा है, झूठी बातें हैं, पीएम की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। अचानक हुए विरोध को सियासत के लिए इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप में एक बड़ी चीज दब रही है, वो ये है कि सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है। ये जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या। ये बहुत बड़ी एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। ये इसमें मुख्यमंत्री खुद ही सारी साजिश करता है ऐसा लगता है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगी, हो अल्लाह मचा, और इसी को आधार बनाकर पंजाब की सरकार, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई है। एकदम जान लेने का ये षड्यंत्र है, कांग्रेस का जो षड्यंत्र उसका नकाब खुल गया। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि इस षड्यंत्र में उनकी पूरी तरह से संलिप्तता है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की साजिश साबित करने पर तुली है, वहीं कांग्रेस इसे पूरी तरह बीजेपी की सियासी चाल बता रही है। ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। खैर, शुक्र की बात रही कि बम नहीं फूटा, लेकिन गजब तो हुआ है, क्योंकि फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री और उनका काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा। वो 20 मिनट सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे मुश्किल 20 मिनट रहे। पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी, इसीलिए इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, क्या वजह रही, इसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम पंजाब के फिरोजपुर पहुंची। टीम ने उन हालातों को समझने की कोशिश की जिसकी वजह से इतनी बड़ी गलती हुई। गृह मंत्रालय की टीम प्यारे आना गांव के पास मौजूद उस फ्लाईओवर पर भी गई, जहां 5 जनवरी को पीएम मोदी को करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ गया। इसी फ्लाईओवर के आगे किसानों ने रास्ता जाम कर रखा था। इसके अलावा टीम हुसैनीवाला भी गई, जहां शहीद स्मारक है। अधिकारियों ने दोनों ही जगहों की जांच की, जानना चाहा कि आखिर उस दिन इन दोनों ही जगहों पर हुआ क्या जिससे पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गई। इस बीच सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की तरफ से बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे 24 घंटे के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की उपसचिव अर्चना वर्मा ने कहा है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि भटंडा के एसएसपी पर क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मसला रखा था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की जांच कमेटियों को काम रोकने के लिए कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान
याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने ये कहा कि मामला बेहद गंभीर है, इसीलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसपीजी के आदेश नहीं माने गए। याचिकाकर्ता ने पंजाब द्वारा बनाई गई जांच कमेटी पर भी संदेह उठाया। उनके मुताबिक जिस जज को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया उनका चयन सही नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा जब सड़क ब्लॉक थी तो पंजाब डीजीपी ने एसपीजी को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अमेरिका में मौजूद एक आतंकी संगठन ने वीडियो भी जारी किया है, शक है कि कुछ बड़ा किया जा सकता था। उन्होंने पंजाब सरकार की जांच कमेटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें राज्य के गृह सचिव हैं क्यों, क्योंकि वो भी इस घटना के संदिग्ध हो सकते हैं। इसके बाद पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जांच कमेटी बनाना चाहता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साथ में उन्होंने केंद्र की जांच कमेटी पर भी सवाल उठाए कि उसमें एसपीजी के आईजी क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद कहा कि फिलहाल राज्य और केंद्र की दोनों कमेटियां अपनी जांच रोक दें। पंजाब और हरियाणा के रजिस्ट्रार जनरल सारे रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखें। चंडीगढ़ डीजी और एनआईए के अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल की मदद करें। पंजाब सरकार, एसपीजी और दूसरी एजेंसियां रजिस्ट्रार जनरल का सहयोग करें। कोर्ट का ये मानना था कि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, इस पे केंद्र और राज्य के बीच खींचतान जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और भविष्य के लिए दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने संकेत दिए कि उनकी तरफ से एक टीम भी बनाई जा सकती है। अगली सुनवाई सोमवार यानी 10 जनवरी को होगी। मास्टर स्ट्रोक में अब उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज टटोलनी है। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी समय हो सकता है। उससे पहले सभी पार्टियां अपना अपना किला पूरी तरह से महफूज करने में जुट गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2000 टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटे। अयोध्या में योगी के इस कार्यक्रम के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि योगी अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले हैं, यानी वो अयोध्या से चुनावी रण में उतर सकते हैं। राम मंदिर की राजनीति से पहचान पाने वाली पार्टी बीजेपी अगर योगी को अयोध्या से उतारती है तो इसके कई सियासी माने होंगे, जिन्हें समझने के लिए हमने खासतौर पर ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। मेरे सहयोगी पंकज झा और संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट आपके सामने। आज मैं केवल अयोध्या के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए यहाँ आया। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे हैं, वो भी टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ। आज मैं केवल अयोध्या के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए यहाँ आया। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे ठीक पहले अयोध्या पहुंचकर योगी का टैबलेट बांटना इस चर्चा को हवा दे रहा है कि वो अयोध्या से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बार यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में होंगे। एबीपी न्यूज से खुद उन्होंने चुनाव लड़ने की बात पर मुहर लगाई, हालांकि किस सीट से लड़ेंगे इस बात का खुलासा नहीं किया। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की सक्रियता देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गोरखपुर के बाद अगर किसी जगह का सबसे ज्यादा दौरा किया है तो वो अयोध्या ही है, और अयोध्या को लेकर वो विपक्ष पर बेहद धारदार ढंग से हमला भी करते हैं। विपक्ष को भी अब अयोध्या में जय श्री राम कह दिया है। अब तो विपक्षी नेता भी इस बारे में कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में पर भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। अयोध्या से योगी का पुराना नाता भी रहा है, और अगर वो अयोध्या से चुनावी रण में उतरते हैं तो इसका सियासी गणित भी बीजेपी के पक्ष में ही दिखता है। अगर योगी अयोध्या से उतरते हैं तो अवध में बीजेपी मजबूत होगी।
साथ में यूपी में नाराज ब्राह्मणों को मनाने में मदद भी मिलेगी, क्योंकि अयोध्या से योगी का नाम जुड़ते ही हिंदुत्व की धार तेज हो जाती है और अयोध्या के जन प्रतिनिधि बनकर योगी देश भर में हिंदुत्व का माहौल भी बना सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों मथुरा से भी उनके चुनाव लड़ने की मांग बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह कर चुके हैं, लेकिन इस बारे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें ज्यादातर लोगों की राय अयोध्या के लिए थी। सवाल था कि योगी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में अयोध्या की मांग करने वाले 37% थे, मथुरा को पसंद अपनी बताने वाले 22%, जबकि 21% ने दोनों जगहों को अपनी पसंद माना ही नहीं था। अयोध्या के कई विधायक और स्थानीय नेताओं ने ये मांग की है कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्थानीय नेताओं और बूथ अध्यक्षों से योगी के चुनाव लड़ने पर फीडबैक लिया है। अब पार्टी सियासी समीकरण तोल मोल कर आखिरी फैसला लेगी। और फैसला क्या होता है, यकीन मानिए हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।